मध्य प्रदेश सरकार लगातार लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर गंभीर नजर आ रही है। सरकार द्वारा अधिकारियों को ये आदेश दिए जा रहे हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र में धर्मांतरण और लव जिहाद जैसा मामला देखने को मिले तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार की ही पुलिस प्रशासन सरकार के ही निर्णय पर पलीता लगाती नजर आ रही है। हाल ही में पूरे देश में दिल्ली श्रद्धा मर्डर केस चर्चाओं में है, गरमाया हुआ है। उसी प्रकार से राजधानी भोपाल में कमिश्नरी लागू होने के बाद, कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन की घटना घटित होने का इंतजार कर रही है। मामला राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर थाने का है। पीड़िता के ऊपर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके विरोध में पीड़िता लगातार थाने के चक्कर काट रही है, लगातार आवेदन दे रही है, FIR दर्ज करा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन के कानों में जू भी नहीं रेंग रहा। जानिए उस पीड़िता की ही जुबानी कि किस प्रकार से उसके ऊपर धर्मांतरण करने का दबाव बनाया जा रहा है, किस प्रकार से उसके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस प्रकार से उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। मैं 1.5 साल पहले अभिषेक शर्मा से मिली थी। वो सागर पब्लिक स्कूल गांधीनगर में काम करता है, कंप्यूटर टीचर है। वो घर के पास में भी रहता था, तो हमारी दोस्ती बढ़ी, फिर हम लोग रिलेशनशिप में आए। उसने बहला फुसला के मुझे ऐसे रियलाइज़ करवाए कि मैं तो हिंदू ही हूँ, मैं तो शर्मा हूँ, मैं पंडित घर का हूँ। फिर उसने मुझे शादी के लिए दबाव करना चालू कर दिया था। जब तक उसने दबाव करना चालू किया कि अब तुमको जो शादी है वो तुम्हें ईसाई से करना पड़ेगा क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ। मैंने मना किया तो उसने मुझे बहुत जोर दिया कि अब तुम्हें क्रिश्चियन बन के ही तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। फिर उसने मुझसे बोला कि मैंने अपने जीजा जी को बता दिया है, दीदी को बता दिया है, वो जानते तुम्हारे बारे में ये वो सब। तो मैंने बोला तो अच्छी बात है, तो मुझे मेरा जो भी अपना रिलीजियस जो भी करना है वो करने दोगे ना, जैसा जो भी है। तो नहीं, वो तो घर पे तो नहीं हो पाएगा, मेरे घर वाले बस यही उम्मीद करेंगे कि तुम प्रेयर करो और तुम चर्च चलो करके। मैंने बोला कि मैं प्रेयर कर लूँगी, चर्च चले जाऊँ, मुझे कोई इशू नहीं, पर मुझे अपना भी देखना है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सपोर्ट करो। लेकिन नहीं, वो नहीं हो पाएगा। तो नहीं, मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि मैं क्रिश्चियन हूँ करके। लेकिन नहीं नहीं, तुमने मुझे बताया नहीं था, बताया होता तो फिर हम उसके बारे में चर्चा करते, मैं तुम्हें पहले ही मना कर देती क्योंकि मैं हिंदू हूँ और मेरे घर वाले नहीं मानते, इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता। उसने मुझे बहुत फोर्स किया, बहुत टॉर्चर किया कि नहीं करोगी तो तुम क्रिश्चियनिटी में ही करोगी, ईसाई बन के ही तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। मैंने मना कर दिया, मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं हो सकता। इसके बाद फिर उसने मुझे फिर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट किया, उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और उसने ये भी मुझे बोला कि शादी तो तुम मुझसे ही करोगी और किससे करोगी, और तुम किसी से कर ही नहीं पाओगी, जब तक मैं हूँ तुम किसी और से करोगे ही नहीं शादी, तुम्हें शादी तो मुझसे ही करना पड़ेगा। मेरे माँ बाप कभी तो तुम्हें नीचे बैठा के प्रेयर करवाएंगे, तो तुम्हें प्रेयर तो करना पड़ेगा, तुम्हें चर्च भी जाना पड़ेगा, और चर्च में जब शादी करोगी तो हमारे हिसाब से ही तुम्हें करना पड़ेगा। फिर मैंने मना किया, फिर उसके बाद फिर मेरे पीछे आने लगा, घर के कांच में ना पत्थर वत्थर मारने लगा क्योंकि मैंने उसके कॉल्स ब्लॉक कर दिए थे। फिर मैं जहाँ जहाँ जाती थी, डांस क्लास आया, वहाँ आके उसने सीन क्रिएट किया, उसने मेरी चाबी छीन, मैं जब भी स्कूटी से जब मैं जा रही हूँ बोल के जाती थी तो वो मेरी चाबी छीन लेता था, मोबाइल छीन लेता था और बैग भी ले लेता था, और बोलता चलो मैं तुम्हें अपने घर लेके चलता हूँ, ऐसा वैसा ये वो, अभी मैं अपने माँ बाप से बात करता हूँ। नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं, अब मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी। फिर उसने धीरे धीरे दबाव चालू किया, मुझसे फिर से स्टॉक करने लगा, फिर उसके बाद कंप्लेन कर लिया था, घर वालों को मैंने बताया तो फिर कंप्लेन हो गया था। कंप्लेन होने के बाद उसने मुझे फिर धमकी दी कि मिल लो, बात कर लो, नहीं तो फिर जो होगा फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता करके, कि नहीं मैं तो मिल नहीं सकती करके। फिर उसके बाद FIR हुआ, तीन आवेदन, चार कंप्लेंस लिखे थे और उसके बाद एक FIR हुआ था। FIR हुआ, उसके बाद पुलिस ने फाउंडेशन पीरियड भी डाला। उसके बाद जितना भी प्रॉब्लम्स हुआ, चाहे वो मेरे साथ हैरास हुआ हो, फिजिकली उसने मुझे बहुत हर्ट किया। जब भी मैं पुलिस स्टेशन जाती थी मम्मी के साथ कि क्या कैसे क्या प्रोसीडिंग्स है जानने को जाती थी, वापस मैं जब भी आती थी तो वो मुझे उसने फिर मुझे पब्लिकली भी हैरास किया। उसने मुझे मेरा कैरेक्टर भी उसने डिफेम करने की कोशिश करी थी, उसने बहुत गंदा बोला था कि पब्लिकली मैं
कहाँ रहती हूँ, ऐसा ऐसा मेरा है, ये सारे सेक्सुअली उसने मुझे बहुत असॉल्ट किया था। मैंने बात करने इसके लिए जैसे ही मैंने मना कर दिया था कि अब अभिषेक नहीं हो पा रहा है, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ और अब कभी मैं तुम्हें अनब्लॉक नहीं करूँगी, अब मुझे परेशान मत करना ना मेरे रास्ते आना, तो उसने फिर मेरे पे दबाव करना स्टार्ट कर दिया था। उसने मुझसे बोला कि तुम जहाँ जहाँ देखोगी मैं वहाँ वहाँ तुम्हें आके उठाऊँगा, ये कि तुम्हें ईसाई बनना पड़ेगा और मुझसे शादी करना पड़ेगा नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूँगा। इसने मुझसे ये सारी चीज़ें बोली और फिर मुझे वो मेंटली टॉर्चर करने लगा। उसके बाद उसने मुझे फिजिकली हरास किया, जिस वजह से मुझे FIR लिखना पड़ा। कंप्लेन तो कंप्लेन थी, उसके बाद FIR मैंने तभी लिखवाया जब वो उसने मुझे बहुत ज़्यादा उसने मुझे फिजिकली टॉर्चर कर लिया था, जिसमें मतलब मुझे चोट भी लग गई थी, उसने मुझे मारा भी बहुत। फिर उसने फिर बोला फिर मैंने पुलिस को जब मैंने FIR में मैंने मेंशन किया कि वो मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं अपना रिलीजन बदलूं, पर पुलिस ने वहां पे कुछ मेंशन नहीं किया। तमाम आवेदन FIR और बॉन्ड भरवाने के बावजूद भी वो लड़का लड़की के घर में घुसकर लड़की को प्रताड़ित करता है, उसके साथ मारपीट करता है, उसे किडनैप करता है, उसके माता पिता के ऊपर हाथ उठाता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये प्रश्न चिन्ह है मध्य प्रदेश पुलिस पर, यह प्रश्न चिन्ह है मध्य प्रदेश की कमिश्नर प्रणाली पर, यह प्रश्न चिन्ह है राजधानी भोपाल की पुलिस प्रशासन पर। लगातार मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर गंभीर नजर आते हैं, लगातार उनके द्वारा बयान दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई नजर आ रही है। अगर आपको इस विषय में कुछ कहना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।